नमस्कार, मैं हूं जुगल किशोर। आप देख रहे हैं खबर 7 से न्यूज चैनल। आज हम अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित फिरोज शाह तुगलक के किले, जिसे लोग शाही किले के नाम से भी जानते हैं, आज हम अपने खबर 7 से न्यूज चैनल के माध्यम से आपको इस किले में स्थित बारादरी कारागार के रहस्यों से रूबरू कराएंगे। तो बने रहिए खबर 7 से न्यूज चैनल के साथ और देखिए हमारी यह खास पेशकश। आइए दोस्तों, हम लेकर चलते हैं इस किले के दूसरी छोर पर, दिखाते हैं। यहाँ पे एक स्थान बना हुआ है जिसका नाम बरादरी के नाम से उस समय जाना जाता था। इसका नामांकन किया गया है तो ऐसा बताया जाता था कि उस समय के जो शासन काल में जो भी शासक हुआ करते थे, तो उनसे जो भी बगावत करते थे लोग, उनको बंद करने के लिए यहाँ पे एक कारागार का निर्माण करवाया गया था, एक जेलखाना बनवाया गया था। तो उसको हम दिखाते हैं हमारे चैनल खबर 7 के माध्यम से। हमारे कैमरामैन आशीष पटेल जिसको दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए वही तहखाना है, वही जेलखाना है जिसके अंदर उस समय जो भी लोग यहाँ की छावनी में सैनिक जो भी हुआ करते थे या फिर जो शासक हुआ करते थे, उनसे बगावत करने पर उनको बंद कर दिया जाता था। यहाँ पे देखिए एक फाटक लगा हुआ है, इसके अंदर डाल दिया जाता था। फिर जो जितने भी दिन इनको बंद करके रखना होता था, इसी बंदीघर में उनको बंद करके रखा जाता था। तो आइए अब हम लेके चलते हैं, यहाँ पे कुछ पर्यटक भी आए हुए हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे आने के बाद उनकी क्या उनको महसूस हो रहा है, कैसा फीलिंग हो रहा है। तो आइए हम लेके चलते हैं। तो एक भाई साहब है, उनसे परिचय कराते हैं अपने चैनल खबर 7 के माध्यम से। भाई साहब अपना परिचय दीजिए। मैं बलिया का रहने वाला हूँ, मेरा नाम समर बहादुर सिंह है। तो आप यहाँ पे आए हैं तो कैसे आपको प्रेरणा मिली, इंस्पिरेशन कैसे मिला कि आप आए हैं यहाँ पे, तो चले हम भी देख लें शाही किला, तो इसके बारे में कुछ बताइए। वैसे तो मैं जौनपुर में कई बार मैं घूमने के लिए, मैंने अपने काम से आया था, लेकिन जब मैं गया उन लोग पूछे कि कहाँ से आ रहे हो, मैं बोला कि जौनपुर से, तो बोले कि जौनपुर फिर कभी जाओगे, मैंने बोला कि हाँ, तो कई बार मुझे आना जाना पड़ता है। बोले कि जौनपुर में एक शाही किला है, अगर जा रहे हो तो फुर्सत में हो तो कम से कम एक दो घंटा समय मिले तो जा करके घूम लेना। तो जब यहाँ पे आप आए हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, यहाँ की बनावट, यहाँ की नक्काशियाँ, यहाँ के जो भी ऐतिहासिक स्थल हैं, ऐसे ऐतिहासिक दृश्य हैं, तो उसको देखने के बाद आपको कैसा फीलिंग हो रहा है और क्या महसूस कर रहे हैं इसमें, आप उसको बताइए। बहुत अच्छा हमको अपने आप को फीलिंग महसूस कर रहा हूँ कि बहुत रमणीक स्थान, बहुत मन को प्रफुल्लित उत्साहित हमको ये कर रहा है कि देखने के बाद कुछ जगह हम घूमें, उसके बाद में हमको ये अंदर से दिल ये कर रहा है कि कम से कम दो चार दिन यहाँ रह करके मैं बिताऊं समय। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो पूरा यहाँ पे रम जाते हैं, डूब जाते हैं। आने के बाद यहाँ की जो भी सुंदरता है, यहाँ पे जो हरियालीपन है, यहाँ की जो बनावट है, नक्काशी है, उससे इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि लोग चाहते हैं कि हम भी यहाँ पे दो चार दिन रहें या हमारा निवास स्थान हो जाए। तो हम आपसे कहेंगे एक बार इस जो भी जौनपुर की शान कह लीजिए, आन बान शान, इस शाही किले पर आइए आप भी और इसकी सुंदरता को और इसको निहारिए, इसको देखिए, उसको भी जानने का प्रयास करिए आप। और हमारे चैनल खबर 7 के माध्यम से हम लगातार कवरेजिंग करके दिखा रहे हैं इस सारे चीज़ों को, तो आप भी आइए और इसकी सुंदर दृश्यों का आनंद लीजिए।